हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गॉव जॉब टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉव जॉब टाइमलाइन पे। फ्रेंड्स, इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, DRDO की तरफ से टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो PDF मैं आपके सामने ओपन करके रखा हूँ, ये PDF DRDO की तरफ से आया है टेक्नीशियन पोस्ट में वैकेंसी के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे इस वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा है, आपका सैलरी कितना होगा, आपका एज कितना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में आपको एक रेड आइकन बेल आइकन दिखाई देगा, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, जो वैकेंसी आया है ये वैकेंसी DRDO की तरफ से आया है, यानी कि इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है। यहाँ पर टोटल 351 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है और ये टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। दोस्तों, यहाँ पे केवल अगर आप केवल ही केवल 10 भी पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ आपका ITI होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट 26 जून यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बात करूँ तो अगर Tier 1 एग्जाम की CBT और Tier 2 ट्रेड टेस्ट की, तो अभी तक यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि Tier 1 और Tier 2 का एग्ज़ाम डेट के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट में अनाउंस कर दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी जो लिस्ट दी गई है आप देख सकते हैं, ट्रेड वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी गई है ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर, कोपा, ड्राफ्टमैन, DTP ऑपरेटर, उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मोटर मैकेनिक्स, पेंटर, फोटोग्राफर, सीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर, इन सभी ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, मशीनिस्ट एंड मशीन डीजल, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया है। आप देख सकते हैं सभी पोस्ट के लिए कितना कितना वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे केवल ही केवल 10वीं पास मांगा गया है, 10वीं पास, उसके साथ साथ आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रेड पे। दोस्तों, यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि आपका कोड ऑफ पोस्टिंग चेसन, अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का आपका कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगा, यहाँ पे दोस्तों कोड दी गई है। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कोड का जो आपका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिए गए, A1 का हो गया आगरा, A2 का हो गया अहमदनगर, A3 का हो गया अम्बरनाथ, उसके बाद दोस्तों B1 का हो गया बालेश्वर, B2 का हो गया बेंगलुरु, C1 का हो गया चंडीगढ़। ऐसे आप देख सकते हैं सभी कोड वाइज का प्लेस का यहाँ पे नाम दी गई है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों 28,000 रुपये पर मंथ। यहाँ पे देख सकते हैं प्रति माह आपको 28,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगा। अगर आप एक्स क्लास सिटी में आपको पोस्टिंग होता है तो आपको 28,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, जो एज लिमिट मंगा गया है, एज लिमिट आपका 18 से लेकर 28 साल रखा गया है। और दोस्तों, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो, यहाँ पे दोस्तों आपको एज पे छूट मिल जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम की, दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आपका 10th पास होना चाहिए, उसके साथ साथ ITI की हो तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसको दोस्तों, एज रिलैक्सेशन भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, एग्जामिनेशन टायर टू का जो एग्ज़ाम होगा, कौन सा सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, दोस्तों यहाँ पे सिटी का नाम भी दी गई है। Tier 1 एग्ज़ाम का सिटी यहाँ पे होगा और Tier 2 का भी यहाँ पे दी गई है, मैंने आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं Tier 2 का एग्ज़ाम का डेट, यहाँ पे Tier 1 CBT 1 होगा और Tier 2 का भी ट्रेड टेस्ट होगा, वो कहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ पे सिटी, ट्रेड टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द सेप्टम बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, Tier 1 होने के बाद आपका सेप्टम की तरफ से Tier 2 का ट्रेड टेस्ट कहाँ पे होगा वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे आपको फॉर्म पे कैसे फिलअप करना है, यहाँ पे पूरा का पूरा दी गई है प्रोसीजर कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपका जो एग्ज़ाम होगा CBT 1 एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं सेक्शन ए में होगा आपका क्वांटिटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज एंड जनरल साइंस। एंड सेक्शन बी में होगा स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड, यहाँ पे 50 मार्क्स होगा आपका जनरल सेक्शन ए के लिए और आपका ट्रेड टेस्ट होगा सेक्शन बी में 100 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स का आपको ड्यूरेशन, 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ट्रेड टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको क्वालिफाई करना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में दी गई है आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट डेट जो रखा गया है वो 26 जून रखा गया है।
अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया तो फटाफट जाके इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है फॉर्म फिलअप करने में तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सब कुछ यहाँ पे दी गई है इस नोटिफिकेशन के PDF में, तो इस नोटिफिकेशन का जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली इस PDF को डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को पढ़ के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे DRDO की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आया था मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।